स्वदेशी आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये एक सोचने का मुद्दा है। इतनी सी बात कह के अब आपको जो भी पूछ लिखा गया, अंबाला के विधायक धरने बैठे हैं, एक एक करके किसानों की मांग को लेकर अंबाला के विधायक धरने पर बैठे हैं, एक सब चीजों का जवाब अगर सारे बोलेंगे तो कोई एक चीज माइक दे रहा हूं मैं, माइक दे रहा हूं सुनील को, माइक सर अंबाला के विधायक धरने पर बैठे हैं, बताओ आगे बताओ उन्होंने की आवाज को लेकर। सर देखिए अंबाला के विधायक का मुझे अभी भी खबर लगी है, वो भी आड़ती है, हो सकता है कि उनको भी बहम हो कि मंडियों में कमोज कम हो जाएगी। हम सब आड़ती भाइयों को कहते हैं कि हरियाणा की मंडियां, हरियाणा का सबसे बड़ा आड़ती हरियाणा बार स्टेट मार्केटिंग बोर्ड है, हमने 15-20 हज़ार करोड़ का लगा रखे हैं, हमारी आमदनी भी है, किसी भी आड़ती भाई को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, उसकी आमदनी कम नहीं होने देंगे। हमने 3 IAS की कमेटी बना दी है, मंडियों को और सुदृढ़ करेंगे। और लोग कहते हैं मंडियां टूटेगी, 5,000 करोड़ रुपए की मंडी घरौंडा में अगले 2 महीने में आपको शुरू करके मैं दिखाऊंगा। लेकिन सर आड़ती के साथ साथ बीजेपी का विधायक भी का कोई विकास नहीं किया, लेकिन इससे पहले 5 साल जब बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री की हर स्टेज पे बयान था कि मेरा विधायक जहाँ बने ना बने मैं वहाँ विकास करवा रहा हूँ। हमारे अगर 5 साल में विकास हुआ था आज आप पुलिस के पहरे में क्यों आ रहे हैं? पुलिस का कोई पहरा नहीं है सर, कमाल कर पुलिस का कोई पहरा नहीं है। मेरी बात सुनिए, ये जो कुछ फोन करवा रहे थे किसान के नाम से कांग्रेसी और ये कुछ पीटीआई वाले, उनकी समस्या जाहिर थी बेचारी रो रही है। लेकिन कहता हूँ सही है, SYL पे अगर नेताओं की नीयत साफ होती तो कभी की बन चुकी होती। लेकिन आज अगर किसी सरकार ने हरियाणा के एक्ट में क्लियर कट फैसला करवाया है तो मनोहर लाल की सरकार है। अब मुद्दा यह है इम्प्लीमेंट करवाने का, अकेली चुनाव लड़ेगी इसको, अकेले क्यों लड़ेगा, हमारा संगठन साथ में है, गठबंधन है हमारा, सिंबल एक होगा, पार्टी दोनों होगी। क्या वो सिंबल जेजेपी का भी हो सकता है? वो बैठ के फैसला करेगा। एक एक भी संयुक्त बैठक नहीं हुई आपकी सर, एक जैसे आपने एग्रो बेस इंडस्ट्री की बात की तो यहाँ जैसे सेंट्रल वेजिटेबल्स का उसमें घोषणा करना हमारी पार्टी वालों का समाधान हम कर लेंगे, आप चिंता करने की जरूरत। ऐसा है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में 3-4 महीने का टाइम लगता है भाई, मेरे भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रूल होती है, टेक्निकल होती है, नक्शा बनता है, पैसा मंजूर होता है, दाखिले शुरू हो गए, स्टाफ लगा दिया, ग्रांट भी मंजूर हो गए सर, ग्रांट मंजूर कितने की हुई सर वो मेरे ध्यान में नहीं है। मंत्री जी आप द्वारा और प्रेस इलेक्शन कमीशन द्वारा एक ही वक्त के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, कहीं आप इस दृश्य तो अपना तपरीय योजनाओं के लिए शुभारंभ के लिए आपने ये तो नहीं कह दिया कि उनका पूरा हो पाएगा? ऐसा नहीं है, जो मैंने घोषणा की, जो पत्थर लगाए, वो सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सेक्शन, टेंडर करवा के पत्थर लगाने आया था, उनमें से कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें किसी तरह की सरकारी मान्यता की कोई कमी हो। ऐसा है, अच्छा काम कभी हो जाओ बुरा नहीं मानना चाहिए। मंत्री जी आप कृषि मंत्री हो, बाजरे खरीद को लेकर एक बड़ी समस्या, लेकिन बाजरा 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़। ऐसा है भाई, ऐसा बाजार बाजरा में बोलता हूँ 10 से 12 बीघे का कहाँ से होगा क्विंटल, 10 से 12 क्विंटल की बात, किस चीज का थोड़ा सा लिमिट में जो किसानों को, देखो भाई हरियाणा के किसानों के लिए कुछ भी करेंगे, राजस्थान से स्मगलिंग वाला 10 क्विंटल तक तो बड़े 10 क्विंटल होता है, हरियाणा पहले राज्य बना है कि दूसरे स्टेशन से भी खरीद करेगा। कौन सा मुख्यमंत्री जी भी आएंगे आपके रूबरू भी हो सर, जेजेपी के साथ गठबंधन है आपका, संयुक्त बैठक आज तक भी नहीं हुई आपकी, जेजेपी के साथ गठबंधन है, गठबंधन बैठक होती रहती है सर, बड़ौदा में तो कहीं इकट्ठा नहीं हुई है, कल भी हो रही थी भैया। ऐसा है देखो, किसी दूसरे प्रदेश के किसानों को आके दूसरे प्रदेश के नेताओं के घर का घेराव करना अच्छी बात नहीं, वहाँ पर ज्यादातर आप पता कर लो कि ज्यादातर पंजाब का बॉर्डर सिरसा को लगता है, और पंजाब वाले
सरकार भी इसके साथ है, कांग्रेस भी इसके साथ है, दूसरी पार्टियां भी इसके साथ है। इसको आंदोलन को हमारे क्षेत्र में धकेलना चाहते हैं। हम कहते हैं जो करना पंजाब में कर लो। आराम से बैठने वाले के रास्ता दौरों को धरना करने वालों को कोई कुछ नहीं कहता। सर आपने कहा असीम गोयल जो है वो अड़ती है, लेकिन वो बीजेपी के विधायक भी है। हम समझा लेंगे किसी ऐसा है आप में से जो ये दिला है, सच्ची बताओ कितने आपने पढ़ रखे पढ़ी नहीं रखे सर, कॉपी नहीं मिली हमारे को, कॉपी मांग रहा हूं आई सर। सर बैठ जाओ, 2 मिनट सर, इतना विकास 2 मिनट बैठ जाओ, शॉर्ट कर लेंगे सर। मैं तो ये आधा घंटा बैठ जाऊंगा सिर्फ बैठा सर। मेरी बात सुनो, मैंने अपना लेखा जोखा दिया है, ये विकास करवाया है, यही करेंगे, यही चुनाव मुद्दा है। और हमें आशीर्वाद लेना है बड़ौदी के जनता का। और हम तो ये कहते हैं भाई सरकार हमारी है, बीच में रोड़ा डालने वाला विधायक ना हो, सहयोग देने वाला विधायक हो, उसी से बढ़ोता ना। इस फिर मैं दोबारा कहता हूँ कि इस चुनाव से ना बीजेपी का कुछ बिगड़ता, ना जेजेपी का कुछ बिगड़ता, ना कांग्रेस का। नफा नुकसान बड़ौदा हल्के के आम नागरिक का। सर बड़ौदा के हल्के के लोगों का आशीर्वाद कैसे लिया जाएगा? बीजेपी भी ट्रैक्टर यात्रा करेगी। कौन सी यात्रा? 9 तारीख को ट्रैक्टर यात्रा का बीजेपी का अपनी है क्या? चुनाव का कोई मतलब नहीं है। मेरी बात सुनिए, अभी आप ही तो सवाल पूछते रहते हो कि आपके हक में किसान नहीं है। जब हमारे किसान ट्रैक्टर लेके हजारों में आ जाएंगे, अब हम चाहते नहीं थे, लेकिन आप ही प्रेस में पूछ के ऐसा मुद्दा खड़ा करते हैं। प्रोग्राम तो पहले से ठीक से सर। राहुल की तरह हम एयर कंडीशन सोफे वाले ट्रैक्टर में नहीं, असली वाले बड़ौदा के ट्रैक्टर होंगे। आप आगे सर बात असली लिख लीजिए। सर कौन कौन पहुँचेगा उस दिन? 9 तारीख बाद।